स्किल जो बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, और वो टॉप 7 में पहुंच गया है, और उसको यहाँ पे पहुँचाने के लिए मुझे 7 साल प्रैक्टिस और मेहनत करानी पड़ी। और इसके लिए मुझे लग रहा था कि शायद मैं उसको करा नहीं पाऊँगा, क्योंकि जब वो मेरे पास आया था तो 1-2 महीने तो मैं उसको सोचता रहा भी कैसे कराऊँगा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन थैंक्स ऑफ गॉड कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनको ये डांस करवा सकूँ, और उन्होंने मेरे साथ पूरी कॉपी किया और मैंने सारे स्टेप उसको काउंटिंग करके करवाया। तो कैसे कैसे करवाया आपने? पहले मुश्किल आई होगी क्योंकि सुन नहीं सकता, बीट कैसे पकड़ता होगा, तो कैसे आप उसको समझाते हैं? ये चीज़ को समझाने के लिए मेरे को बहुत टाइम लगा, एक्चुअली 2-3 महीने तो मैं उसको ये सोचता था कैसे कराऊंगा। काउंटिंग का क्या था कि अभी मैंने उसको बता दिया कि आप मेरे को कॉपी करो, उसको इशारे से समझा दिया कि आप सिर्फ मेरे को देखोगे, अगर मैं हंस रहा हूँ तो तुम भी हंसोगे, अगर मैं रो रहा हूँ तुम भी रोओगे। तो उस गाने को मैंने खुद पहले फील करता था, फिर उसको मिरर में अपने आप को दिखाता था कि तुम मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, अगर मैं हंसता था वो हंसता था, इसे करके काउंटिंग करके स्टेप बाय स्टेप करके उसको सॉन्ग पूरे करता था। तो जब आया था तब क्या सोचा आपने कि कैसे? पहले कभी ऐसे स्टूडेंट को नहीं, मैंने ऐसे पहले कभी किसी स्टूडेंट को नहीं सिखाया, मेरे लिए एक चैलेंज था और मुझे लग रहा था कि मैं शायद करवा लूँगा। बाकी चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और 2-3 महीने में मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो लगा था कि आप इसको कैसे सिखाओगे, कैसे इसको सिखाओगे? हाँ, मुझे 2-3 महीने तो बहुत प्रॉब्लम आई, बट मेरे को यह था कि म्यूज़िक तो पहले मैं खुद फील कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं करवा लूँगा, लेकिन 2-3 महीने तक मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आई। उसके बाद मेरे को स्टेप बाई स्टेप शुरू कर दिए और उसको भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। मैं रात को सोचता था कि कैसे कराऊँगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी मैं सब बच्चों के बीच में नहीं कराता था। सबसे अलग जब मेरी क्लासेस लग जाती थी 10 बजे तक, उसके बाद खाना वाना खा के डिनर होने के बाद रात को 12 बजे से लेकर 2-2 बजे तक इसकी एक्स्ट्रा क्लासेस करवाता था। तो कितने साल लगे इस मुकाम पे? इस मुकाम पे पहुँचने के लिए नियन 6-7 साल लगे हैं। 6-7 साल से कर रहा हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट प्रवीण जो डांस दीवाने टॉप 7 में पहुँच गया है, और मुझे प्राउड है इस बात का और मैं बहुत खुश हूँ। तो वहाँ पे आप भी गए होंगे, किस तरह के कमेंट मिले जो जजेस बैठे थे? जजेस बैठे थे अभी जब स्टार्टिंग जब सॉन्ग नहीं लगा उसका, लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं देखी, तो जब सोच रहे थे सब नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे सभी वहाँ पे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे थे और आई थिंक बहुत दूर दूर से बच्चे इकट्ठे हुए थे पूरी इंडिया से, लेकिन सब ने अच्छा किया। जब इसकी परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस होने के बाद उन्होंने म्यूज़िक को बीच में बंद भी कर दिया, लेकिन वो रुका नहीं क्योंकि उसकी काउंटिंग है, उसको म्यूज़िक जब सुनता बोलता नहीं बच्चा तो नेचुरली बात है कि उसने तो करते रहना है। और ऐसा किया माधुरी जी ने किया और बाकी जो जजेस थे उन्होंने भी म्यूज़िक को भी बंद किया, लेकिन वो रुका नहीं। और जब सॉन्ग पूरा हुआ तो सबने मुझे स्टैंडिंग ओडिशन दिया, और उस बात के लिए डांस वो कर रहा था, लेकिन 7 साल की मेहनत मुझे, मैं सोच रहा था मैं खुद कर रहा हूँ, मेरी वहाँ पे मेहनत पूरी सफल हुई और जजेस प्लस ऑडियंस ने मुझे स्टैंडिंग ओडिशन दिए और मैं बहुत खुश हुआ। तो और भी तरह के स्टूडेंट हैं इस तरह के आपके पास? हाँ, मेरे पास 1-2 और ऐसे स्टूडेंट हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ और भी कुछ ऐसे बच्चों को ढूंढने की भाई जिनको कोई भी ना सिखाता हो, और भगवान ने समय में मेरी ड्यूटी लगाई कि जिनको कोई ना सिखाता हो, जिनके भगवान की तरफ से किसी के हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, जो देख नहीं सकता, मैं ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा हूँ फिर ताकि। और मैं लोगों से भी कह रहा हूँ कि मेरे को ऐसे बच्चे दो जिनको कोई ना कराता हो, उनको मैं कराऊँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊँगा, क्योंकि प्रवदीप को भी मैंने आज तक 6-7 सालों से कोई उनसे फीस नहीं दी, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया, तो उसका आपको इनाम मिला आज? हाँ, आज मैं इनाम में मैं बहुत खुश हूँ कि लोग पूछते हैं आप जैक्सन सर वही हो जो आप प्रदीप को कराते थे, तो मेरी वो मेहनत।